हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की टिफ़िन रेसिपी होने वाली है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पार्टी टिफ़िन बच्चों की डिमांड पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप पोहा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे इसके ऊपर लगी हुई डस्ट निकल जाएगी। तो इसके बाद हमने पानी को निथार लेना है और हमने इसको ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कच्ची मूंगफली और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर तिल। तो तिल मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच मैंने ले लिया है यहाँ पे साबुत जीरा और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है सौंफ। सारी चीज़ों को अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आँच पर। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं भूनना है, जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए बस तब तक ही हमने इसको चला चला कर भूनना है धीमी आँच पर। तो ये देखिए सारी चीज़ों का कलर अब चेंज हो गया है। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर हरा धनिया। तो हरा धनिया हमने तभी डालना है जब सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएं और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है धनिया डालने से पहले। अब थोड़ी देर इस मिक्सर को हमने ठंडा होने देना है और उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है मिक्सी के जार में। तो अब हम इसको पीसेंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही हमने इसको ग्राइंड करना है। उसके बाद हम इसको मिला देंगे पोहे में जो कि हमने भिगा के रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा उबला हुआ आलू, जिसको कि मैश करके ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और अब हम इनको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, तो पोहा हमारा बाइंडिंग का काम करेगा यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर मिक्सर बनकर तैयार है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने ताकि हाथ में ये चिपके नहीं। और ये देखिए इस तरह की शेप मैंने यहाँ पर बना ली है। आप चाहे तो कोई सी भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं अपनी चॉइस से, और इसी तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और इसके बाद हम एक एक करके सारी बॉल्स ऑयल में डाल देंगे। तो तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। गैस की जो फ्लेम है वो हमने लो मीडियम पे रखनी है और इनको हमने फ्राई करना है चारों तरफ से अलटते पलटते हुए, जब तक कि ये बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए, इनमें एक बढ़िया सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, सारी मैंने निकाल ली हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए पार्टी स्नैक्स बनकर तैयार हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, जब भी कभी बच्चों की डिमांड होती है स्कूल में पार्टी टिफ़िन ले जाने की, तो कभी कभार आप इस तरह के स्नैक्स घर पे ही बनाकर उनको दे सकते हैं। आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।